दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसान जो है एलियन से डरता क्यों है? और अगर नहीं डरता है तो उसे डरना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, हमारी टेक्नोलॉजी जितनी भी विकसित हुई है उससे हम अपने सोलर सिस्टम को केवल समझ पाए हैं। और अगर जाने की बात करें तो अभी इंसान केवल चंद्रमा तक ही पहुँचा है, मंगल ग्रह तक भी नहीं जा पाया है। हम अपने केवल लैंडर्स और रोवर्स ही मार्स तक भेज पाए हैं, जबकि इंसान वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाया है। हम अपने लैंडर्स और रोवर्स को मार्स से लेकर के प्लूटो तक भेज चुके हैं, जबकि हम एक भी इंसान अभी मार्स तक भी नहीं भेज पाए हैं, और ना ही हम इतने जल्दी किसी दूसरे सौरमंडल में जाने की सोच भी सकते हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी तक इतनी एडवांस भी नहीं हुई है। तो दोस्तों, जरा सोचिए कि जो एलियन दूसरे सौरमंडल से हमारे सौरमंडल में आएंगे, जाहिर सी बात होगी कि वे हमसे ज़्यादा एडवांस तो होंगे ही होंगे टेक्नोलॉजी में। और हमें पता है कि हर एडवांस सिविलाइजेशन अपने से कमजोर सिविलाइजेशन का शोषण करती है। इस बात को हम अपने चारों तरफ आसानी से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, चाहे इंसानों में देख लें या फिर जानवरों पर देख लें। यह शोषण ठीक उसी तरह का है जैसा कि आज हम जानवरों पर करते हैं, और हम अपने से कमजोर इंसानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ठीक इसी तरह अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन धरती पर आ ही गई तो जाहिर सी बात है कि वे भी ठीक हमारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा कि आज हम जानवरों के साथ करते हैं या फिर अपने से कमजोर इंसानों के साथ करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का शोषण हम अपने चारों तरफ देख करके यह कह सकते हैं कि जो एलियन दूसरे सौरमंडल से हमारे सौरमंडल में आएंगे, वो जाहिर सी बात होगी कि वे हमसे ज़्यादा एडवांस तो होंगे ही होंगे, और हर एडवांस सिविलाइजेशन अपने से कमजोर सिविलाइजेशन का शोषण करती है। ठीक इसी तरह एलियन भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा कि आज हम जानवरों के साथ करते हैं। तो दोस्तों, इन सब कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि हमें एलियन से डरना चाहिए। अगर नहीं डरते हैं तो हमें जरूर डरना चाहिए।